उसे मार डाला गया। वो दबे कुचले लोगों की आवाज बनता था। वो राजनीति से नाक सिकोड़ने वाले लोगों को जगाने का काम करता था। वो नाटकों के माध्यम से समाज को विरोध का ककरा सिखाने की प्रथा का शिल्पकार बना। वो जिसने मुखालफत के लोकतांत्रिक लेकिन असरदार तरीके से लोगों को वाकिफ कराया। वो जिसे मार डाला गया। वो जिसका नाम सफदर हाशमी था। नमस्कार, मैं हूं मुबारक और आप देख रहे हैं द लल्लनटॉप। 12 अप्रैल 1954 को पैदा हुए नाटककार, एक्टर, डायरेक्टर, गीतकार सफदर हाशमी का 2 जनवरी 1989 को एक प्ले करते वक्त कत्ल कर दिया गया था। भारत के थिएटर इतिहास में जिस शख्स का रुतबा ध्रुव तारे जैसा है, उन सफदर हाशमी की उम्र अपनी मौत के वक्त महज 34 साल थी। सन 1989, साल का पहला दिन, गाजियाबाद में जन नाट्य मंच CPIM के उम्मीदवार रामानंद झा के समर्थन में नुक्कड़ नाटक कर रहा था। नाम था हल्ला बोल। सुबह के 11 बज रहे थे। गाजियाबाद के झंडापुर में अंबेडकर पार्क के नजदीक सड़क पर नाटक का मंचन हो रहा था। तभी एंट्री होती है मुकेश शर्मा की। मुकेश शर्मा कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार था। उसने सफदर से प्ले रोक कर रास्ता देने को कहा। सफदर ने बोला, या तो वो कुछ देर रुक जाए या फिर किसी और रास्ते से निकल जाए। गुंडों की गुंडई जाग गई। उन्होंने नाटक मंडली पर रॉड और अन्य हथियारों से हमला कर दिया। राम बहादुर नाम के एक मजदूर की वहीं पर मौत हो गई। सफदर को गंभीर चोटें आई। उन्हें C2 ऑफिस ले जाया गया। शर्मा और उसके गुंडे वहां भी घुस आए और दोबारा उन्हें मारा। दूसरे दिन सुबह तकरीबन 10 बजे सफदर हाशमी ने अंतिम सांस ली। दिल्ली के हनीफ और कमर हाशमी की औलाद सफदर हाशमी अपने स्कूली दिनों में ही मार्क्सवाद की तरफ आकर्षित हो गए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में मास्टर्स करते वक्त सफदर को SFI के साथ काम करने का मौका मिला, जहां वो प्ले लिखने से लेकर उनके मंचन तक की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। जब वो 19 साल के थे, उन्होंने जन नाट्य मंच की स्थापना की, जो मुख्यतः नुक्कड़ नाटक आयोजित करता था। जन्म के माध्यम से उन्होंने नुक्कड़ नाटकों को जन विरोध का एक प्रभावी हथियार बनाया। कुर्सी 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 उनके शुरुआती कुछ नाटकों में से था, जिसने उन्हें शोहरत और बदनामी दोनों दिलाई। ये नाटक उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अलोकतांत्रिक हरकतों पर तंज था। 1976 के आते आते उन्होंने CPI की सदस्यता ले ली। आपातकाल के कहर बरपा दौर में, जब नुक्कड़ नाटक जैसी चीज का नाम लेना भी घातक था, उन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर के तौर पर काम किया। इमरजेंसी में जब ट्रेड यूनियंस की कमर टूट गई थी, तब सफदर को महसूस हुआ कि उनमें जोशो खरोश भरने के लिए जन्म जैसे ग्रुप की जरूरत है। लेकिन उस वक्त वो किसी थिएटर ग्रुप को चलाने के लिए जरूरी फंड्स को मुहैया कराने में असमर्थ थे। वक्त की जरूरत थी ऐसे प्ले जो कम खर्चीले हो, असरदार हो और घूमते फिरते किए जा सके। उस जरूरत का नतीजा निकला नुक्कड़ नाटक मशीन की सूरत में। महज 6 एक्टर और सिर्फ 13 मिनट की स्टोरी। नाटक की प्रेरणा एक केमिकल फैक्ट्री के मजदूरों पर गार्ड्स द्वारा किया गया क्रूर हमला था। मजदूर अपनी साइकिलों के लिए पार्किंग स्पेस और एक ठीक ठाक कैंटीन की मांग कर रहे थे। उन पर फैक्ट्री के सुरक्षा कर्मियों ने हमला बोला। 6 मजदूर मारे गए। मशीन नाटक ने सांकेतिक तौर पर दिखाया कि कैसे फैक्ट्री मालिक, गार्ड्स और मजदूर सभी पूंजीवादी व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है। इस नाटक ने महज 13 मिनटों में वंचितों के शोषण को प्रभावी तरीके से पेश किया और पूंजीवादी व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। आसान काव्यात्मक भाषा और अपील करने वाली थीम की वजह से इस नाटक ने भारत के कामकाजी तबके में फौरन लोकप्रियता हासिल कर ली। मशीन को रिकॉर्ड किया गया और भारत की अन्य भाषाओं में भी इसको बनाया गया। यहां से जन्म ने और सफदर हाशमी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी सक्रियता का आलम यह था कि जब दिल्ली परिवहन निगम ने किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की, उसके 5 घंटों के अंदर अंदर जन्म ने DTC की धांधली नाम से प्ले लिखकर उसका मंचन बिगाड़ डाला। अपनी तमाम राजनीतिक सक्रियता के बावजूद सफदर की असली पहचान एक थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर ही रही। उन्होंने नाटक लिखे, बच्चों के लिए गीत लिखे, प्रगतिशील मुद्दों के लिए पोस्टर्स बनाए, फिल्म फेस्टिवल्स आयोजित किए, लेख लिखे, मजदूर संगठनों की हड़तालों को समर्थन भी दिया। कुल मिलाकर लोकतंत्र को सच्चे मायने में जिया। जब उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, दिल्ली की सड़कों पर मौजूद जनता उसमें शामिल हो गई। आज़ादी के बाद के भारत में ये एक ऐसी दुर्लभ शव यात्रा थी जिसमें बिना किसी पूर्व सूचना के इतने ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। सफदर हाशमी नाम के एक सच्चे रंगकर्मी को जनता द्वारा दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। उनकी मौत के 3rd ही दिन उनकी पत्नी मलेश्री हाशमी अपने साथियों के साथ गाजियाबाद में उसी जगह पहुंची जहां उनको कत्ल किया गया था। वो नाटक जिसके मंचन में गुंडों की दखलंदाजी से रुकावट आई थी, उन्होंने पूरा किया। सफदर हाशमी की माँ कमर हाशमी ने अपनी किताब में एक जगह लिखा है कि कॉमरेड सफदर, हम आपका मातम नहीं करते, हम आपकी याद का जश्न मनाते हैं।
सफदर हाशमी के कत्ल के एक महीने बाद सहमत का गठन हुआ। सहमत यानी सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट। उस साल सफदर के जन्मदिन 12 अप्रैल को नेशनल स्ट्रीट थिएटर डे मनाया गया। सफदर के हत्यारों को सजा दिलवाने में 14 साल लग गए। सभी 10 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया। सफदर की मृत्यु तक उनका उपक्रम जनम करीब 24 नुक्कड़ नाटकों के 4000 शो कर चुका था। उनकी मौत के बाद से हर साल झंडापुर गाजियाबाद में उसी दिन जनम एक कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसकी ऑडियंस आसपास के इंडस्ट्रियल क्षेत्र का मजदूर तबका होता है। सफदर हाशमी प्रतिरोध की वो जिंदा आवाज थी जिसे मिटाने की कोशिश पूरी तरह नाकामयाब रही। अपनी मौत के बाद से इस आवाज को और भी मुखरता हासिल हुई। शोषितों वंचितों के हक हुकूक की जहां जहां बात चलेगी, सफदर हाशमी का नाम वहां वहां पूरी धमक के साथ मौजूद मिलेगा।